यस बेटा, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कुछ ही लोग हैं अभी इस क्लास में, देख सकता हूँ मैं। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वेरी पंक्चुअल स्टूडेंट्स जो भी हैं, सिंसियर वो लोग तो हैं ही, जो रेगुलर रहते हैं, कुछ नालायक बहुत ज्यादा ही हैं। आइए स्टार्ट करेंगे बेटा। यस करते हैं स्टार्ट अब। ओके, आज का टॉपिक हमारा राइटिंग सेक्शन का एंड होने जा रहा है बेटा। ओके, डिस्कस करेंगे आर्टिकल राइटिंग को और रिपोर्ट राइटिंग को। फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे इसमें लिखते हैं। मैं क्यों इसमें इतना डिटेल में नहीं जा रहा, बिकॉज बेटा क्या होता है कि ये लैंग्वेज आपकी है, आर्टिकल और रिपोर्ट आप लोगों ने एक तो पहले भी लिखा है, ठीक है, ऐसे राइटिंग की तरह ही होता है ये भी, ठीक है। तो वैसे ही आप लोगों ने ये फेमिलियर तो हुआ आप लोग लिखने से। अब राइटिंग स्किल्स तो सबकी अपनी अपनी होती है ना, तो वो तो जब हम अपने आइडियाज और लेके आते हैं माइंड में, या चीजों को लिखते हैं 4-5 बार, तो अपने आप ही आता है, ठीक है। तो कोई आपको आर्टिकल राइटिंग ये तो नहीं सिखाएगा कि बेटा इसमें तुम ये पॉइंट्स डालो, इसमें ये डालो, और ऐसे करके पूरा एक एसे लिखो, है ना। तो ये चीज तो अब आप लोग को भी पता है कि लिखना कैसे है। फॉर्मेट में बता देता हूँ, थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। तो आर्टिकल एक तरीके से आपको एसे अपना फिर आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो आइए बेटा स्टार्ट करेंगे, एक बार आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट देखेंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें, ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मेट याद रखो, बाकी कहानी ही बतानी है इसमें भी, ठीक है। तो आइए एक बार मैं आपको बताऊं इसमें है क्या, फटाफट से देख लेते हैं। छोटा सा क्लास मैंने इसलिए रखा है इसका, बिकॉज छोटा सा टॉपिक है, आप लोगों ने किया हुआ है, तो बस एक बार रिवाइंड करवाना है और बस कंप्लीट। कल से कर लेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस को, थोड़ा सा प्रैक्टिस है ना, और बस 4 से 5 क्लास और बेटा, बस ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बचा नहीं है इसमें, जो कराना था करा दिया मैंने इसमें आपको। ओके, राइटिंग सेक्शन पे ध्यान दो, कम्युनिकेशन का चैप्टर पे ध्यान दो, मेनली तो राइटिंग पे ध्यान दो। देखो ना, 25 मार्क्स कवर कर रहा है आपका, ठीक है, ऑलमोस्ट 25 मार्क्स, ठीक है। कुछ आपका ग्रामर हो जाएगा, लाइक वर्ड मीनिंग है ना, जैसे मैंने आपको बताया, और एक्टिव पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन, तो वो तो मैं करवा ही दूंगा, थोड़े बहुत प्रैक्टिस उसकी हो गई, तो रिमेनिंग भी जो 10-15 नंबर के क्वेश्चन बचे वो भी आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। बाकी थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान दो, बीसीआर में और कुछ नहीं, बस राइटिंग पे ध्यान देना होता है, ठीक है। आइए करते हैं स्टार्ट अब। ओके फाइन, यस, हेडिंग डालेंगे बेटा, अपनी राइटिंग इंप्रूव करो, ठीक है, डेली कुछ ना कुछ लिखा करो। अभी यहाँ फॉर्मेट समझने के बाद घर पे एक दो आर्टिकल्स लिखना, ठीक है, और मुझे भेजना एक बार, ठीक है। आई विल चेक, लाइक लास्ट टाइम भी जब मैंने आपको ऑर्डर लेटर दिया था, तो मयंक का आया था, राधा का भी आया था, ठीक है, तो वो मैंने देखा था, सेट पैटर्न आप लोगों ने देख लिया था उसका, ठीक है, वो भी ठीक है, बट कोशिश करो थोड़ा सा अपने वर्ड्स को और फॉर्मुलेट करने की। यही मैंने एडवाइस राधा को भी दी थी, मयंक आपको भी यही बोलूंगा, पैटर्न सेट था वो मैंने आपको बता दिया था, विच इज वेरी गुड, ठीक है। लैंग्वेज पता चल गई थी कि ऐसे ऐसे लिखना है, थोड़ा सा आप लोग उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, तो उसका बस ध्यान रखें। ओके चलिए, ओके तो फाइन, स्टार्ट करते हैं बेटा आर्टिकल राइटिंग से, ठीक है, आओ। यस, आर्टिकल राइटिंग, देखो आर्टिकल राइटिंग कुछ नहीं है, ये तुम्हारा एक तरीके से ऐसे तुम्हें लिखना होता है, ठीक है, ये वही है, फॉर्मेट होता है बस इसका। बाकी आर्टिकल राइटिंग हो या रिपोर्ट राइटिंग हो बेटा, मैक्सिमम कोशिश करना 3 पैराग्राफ रखने की, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा वो तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, लाइक जो भी टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करोगे ना, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करोगे, मतलब बताओगे कि भाई ये चीज होने वाली है, हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है, या सपोज करो ये जब भी आई कुछ ईयर ही हो उसका, ठीक है, कॉन्सेप्ट का, तो ये इस साल आया था, डे टू डे दिस स्टार्टेड ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन दी बिजनेस वर्ल्ड, तो ऐसे करके आप लोग इंट्रोड्यूस करोगे अपने आप को आर्टिकल से। फिर जो सेकेंड पैराग्राफ होगा उसमें आप लोगों का पूरा डिटेल जाएगा, लाइक आप उसके एडवांटेज डिटेल में डाल दो, उसके डिसएडवांटेजेस डाल दो, कोई कारण है उस कॉन्सेप्ट को होने का तो बेटा वो सब डाल दो, ठीक है। और थर्ड पैराग्राफ में आप लोग कंक्लूजन डालो कि नाउ इन दिस वे, लाइक कंक्लूजन जैसे होता है ना कि मतलब
ये इम्पैक्ट पड़ा लास्ट में, ठीक है? ओवरऑल दिस वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑन द बिजनेस वर्ल्ड, ठीक है? तो ओवरऑल करके आप ऐसे कंक्लूजन अपना बंद करो, ठीक है? अब ये तो हो गया मेन बॉडी की बात की, जब लिखना कैसे है, ठीक है? मेनली बात आता है कि शुरुआत कहाँ से करेंगे। अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो एक सेट पैटर्न है बेटा, वो लिख लो आर्टिकल का फॉर्मेट की अगर हम बात करें, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे ऊपर टाइटल दे देना, कोशिश करना बेटा टाइटल जो हो ना वो कैपिटल लेटर्स में हो, कैपिटल लेटर्स में हो और अंडरलाइन हो, ठीक है? अंडरलाइन किया होना चाहिए टाइटल आपका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलग ही शो होना चाहिए कि ये टाइटल है, ओके? ये चीज। अब उसके नीचे, उसके साइड में ही लेफ्ट में तुम उसके जस्ट नीचे एक लाइन छोड़ के या जस्ट नेक्स्ट लाइन से ही बाय, बाय में आएगा राइटर का नाम, राइटर्स नेम, कौन लिख रहा है उसका नाम आएगा, ठीक है? उस नाम को भी अंडरलाइन कर देना, ठीक है? फिर एक लाइन छोड़ना और यहां से तुम्हारा आ जाएगा बॉडी, बॉडी ऑफ द आर्टिकल। अब बॉडी कैसे होगा, फर्स्ट पैराग्राफ की अगर हम बात करें, फर्स्ट पैरा की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आएगा, इंट्रोडक्शन, ठीक है? उसमें आएगा इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट को आप लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 4 से 5 लाइन लिख दो, फर्स्ट पैराग्राफ की काफी रहेगी, एक लाइन छोड़ के दूसरा पैराग्राफ। बेटा सेकेंड पैराग्राफ में ना कंप्लीट डिटेल ऑफ द टॉपिक, कंप्लीट जितना अंदर घुस सकते हो उसके डिटेल में जाओ, कंप्लीट डिटेल ऑफ टॉपिक एकदम डिटेल में, ठीक है? दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड पैराग्राफ जो होता है, 3 पैरा ही रखो, इससे ज्यादा मत रखो, 3 से 4 रखना। अगर तुम्हारा मान लो डिटेल बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, डिटेल वाला जो है वो बहुत लंबा हो रहा है, तो तुम करो उसको 2 पैराग्राफ में बांट लो, सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ कंप्लीट डिटेल को दे दो और चौथा पैराग्राफ कंक्लूजन दे दो। बट बेटा 4 पैराग्राफ से ज्यादा मत करना, ठीक है? क्योंकि अगर आता भी है तो मान लो 10 नंबर का आ जाएगा, और 10 नंबर का नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर का आ जाएगा, ठीक है? तो इससे ज्यादा का तो होगा नहीं, तो तुम्हें हार्डली 1.5 पेज लगाने हैं इसमें, ठीक है? 1.5 से 2 पेज में अपना खत्म करना है आर्टिकल को। तो बेटा अपना 4 पैराग्राफ से ज्यादा मत रखना। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैं सेकेंड पैराग्राफ में अपना मैक्सिमम डिटेल दे दूं 8-9 लाइन का, ठीक है? और फिर थर्ड पैराग्राफ में मैं अपना कंक्लूजन दे दूं, बंद करूं अब पैराग्राफ, इस आर्टिकल को अब मैं बंद करूं, ठीक है? तो इस तरीके से आप 3 से 4 पैराग्राफ रखें, मैक्स 4 पैराग्राफ, ठीक है? मैक्स 4 पैरा बस काफी है, ठीक है? और ये खत्म, कंक्लूजन देने के बाद ये खत्म, कोई थैंक यू नहीं, कुछ रिगार्ड्स नहीं, कुछ नहीं करना, बस यही है आपका आर्टिकल, ठीक है? आर्टिकल का टाइटल लिखो जो कि क्वेश्चन पेपर में ही होता है ना? टाइटल तो वो दे रखे होते हैं, तो टाइटल तो आपको अपनी तरफ से लिखने की जरूरत नहीं है, टाइटल तो आपने देख के लिख दिया, आप खुद लिख रहे हो तो अपना नाम लिख दो, ठीक है? बाय में अपना नाम लिख दो, और बेटा आपको पूरा फोकस किस पे करना है, अपनी बॉडी पे, अपने मेन बॉडी पे, ठीक है? ये है आपका मेन बॉडी, आपके ये 3-4 पैर, ठीक है? तो इसमें आपको पूरा फोकस करना है। अब ध्यान से सुनो, इसमें करना क्या है, मेन बॉडी में देखो, मेन बॉडी में सबसे पहली बात तो ये है इंपॉर्टेंस, पास्ट टेंस बिल्कुल यूज नहीं होगा। पास्ट टेंस यूज होता भी है तो कुछ चीजें अगर पास्ट में हो चुकी हैं उससे रिलेटेड होगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पास्ट टेंस में लिख रहे हो, नो। वैसे टेंस मैटर नहीं करता है आर्टिकल में, क्योंकि हमें पता है आर्टिकल लिख रहे हैं तो कुछ चीजें पहले हुई होंगी, कुछ चीजों का इम्पैक्ट अभी पड़ रहा होगा, कुछ चीजें अभी आगे होंगी। अब जैसे मुझे आर्टिकल लिखना है COVID-19 के ऊपर, ठीक है? इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन ऑन इंडियन बिजनेस, ठीक है? इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन इंडियन बिजनेस। तो बेटा इंट्रोडक्शन कैसे करोगे, इंट्रोड्यूस जो करोगे तो पास्ट में जाएगा। COVID-19 हैज मार्क्ड इट्स इम्पैक्ट इन इंडिया सिंस फ्रॉम दी जनवरी, सिंस फ्रॉम दी मंथ ऑफ जनवरी, राइट? ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो। इट वॉज अ डेडली वायरस एंड इन दी नो टाइम इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, राइट? ऐसे आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि ऐसे करके वो स्टार्ट हुआ इस मंथ से, एंड धीरे धीरे थोड़े ही टाइम में इस डेडली वायरस ने पूरे इंडिया में अपना पैर पसार लिया, ठीक है?
एंड इन दिस वे इट इन यू नो लाइक फिर आप उसके बाद इसमें लिख सकते हो कि काइंड ऑफ यू नो द मेजर इम्पैक्ट इट हैज मार्क्ड ऑन द इंडियन बिजनेस सेक्टर. ओके, देर वॉज अ कंप्लीट लॉकडाउन, देर वॉज अ कंप्लीट शट डाउन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. तो आप ऐसे करके थोड़ा सा पास्ट में लेके जा रहे हो, इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, क्योंकि COVID-19 तो आ चुका है ना, चल मतलब चल तो रहा है बट बहुत पहले ही आ चुका है, तो वो पास्ट में था. अब बेटा उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ा वो दिखाओ, क्योंकि वो प्रेजेंट में चल रहा है. तो अपने कंप्लीट डिटेल जो डाल रहे हो ना, तो उसमें प्रेजेंट में दिखाओ क्या क्या हो रहा है. ठीक है, ऐसे करके पूरा डिटेल डाल दो, उसके रीजंस डाल दो, कॉजेस डाल दो, इफेक्ट डाल दो, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब डाल दो. ठीक है, और कंक्लूड कर दो कि इन दिस वे COVID-19 हैज मार्क्ड इट्स इम्पैक्ट ऑन सेवरल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. ओके, एंड इट कॉज्ड हार्म टू द एवरी सेक्टर्स. ओके, इट क्रिएटेड अ लॉस टू वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी बिकॉज ऑफ द सेवरल शटडाउन ऑफ द एक्टिविटीज. ठीक है, तो इस तरीके से आप कंक्लूड करके उसको बंद करोगे. तो ये एक तरीका होता है जिसमें आपको कंप्लीटली डिटेल में जाना होता है, ज्यादा फोकस नहीं करना होता है कुछ रूल्स पे. बस इतना याद रखना होता है कि जो भी लिखो आइडियाज गैदर करो और उसको इसमें जॉट डाउन कर दो. ठीक है, आइडियाज जितने ला सकते हो उतना बेटर है आर्टिकल में. और कहीं कहीं पे थोड़े से ना वोकैबुलरी वर्ड यूज किया करो. ठीक है, वोकैबुलरी वर्ड मतलब थोड़े से टफ वर्ड्स, कहीं कहीं पे, ज्यादा नहीं करना, ज्यादा बिल्कुल नहीं करना. ठीक है, क्योंकि आर्टिकल हम पढ़ते ही किस लिए, जैसे एडिटोरियल हम लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, तो इसीलिए पढ़ते हैं ना बेटा, कि हमारा इंग्लिश स्ट्रांग हो सके, वर्ड मीनिंग स्ट्रांग हो सके. तो बेटा आप लोगों को भी यही करना है, आर्टिकल में कुछ वर्ड्स ऐसे डालने हैं जिसका हमें वर्ड मीनिंग ढूंढना ही पड़े. ठीक है, तो वो लोग आप लोग यूज कर, लाइक जैसे हम बोलते हैं ना बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा, तो बैड इफेक्ट्स की जगह सिवियरिटीज यूज कर लो, एडवर्स इफेक्ट यूज कर लो, है ना. पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना चाहते हो, कंड्यूसिव लिखो, कंड्यूसिव इम्पैक्ट पड़ा. ठीक है, कंड्यूसिव एनवायरमेंट नहीं रह गया. तो ऐसे थोड़े से ना वोकैबुलरी यूज किया करो. तो वो तो जब आप लोग जितना डिक्शनरी पढ़ेंगे या वर्ड मीनिंग्स ढूंढेंगे, रीडिंग करेंगे, तो आपको आएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपको आर्टिकल को प्रेजेंट करना है. फाइन, अच्छा क्यों ना हम एक होमवर्क ही करें, मैं यहीं पे आपको लिख देता हूँ, इसी टॉपिक को हम कर लेते हैं ना डिटेल में, अभी जो मेरे एकदम मुंह से निकल गया ये. ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन, इंडियन बिजनेस, इस पे आप लोग लिखिए एक बार, ये आपका टॉपिक मैंने दिया आपको होमवर्क का, चलिए इस पे लिखिएगा. हाँ, डेली कुछ वोकैबुलरीज दिया करूं, चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है, क्यों ना मैं कुछ लिस्ट निकाल के लेके आ जाऊं और आप लोगों को कुछ ना कुछ दिया करूं एज अ होमवर्क. ठीक है, यस सर, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी हो सकता है. ओके, या फिर मैं ये भी प्रेस्क्रिप्शन आपको ये दूंगा एक तरीके से एडवाइस की, न्यूज़पेपर रखो. ठीक है, न्यूज़पेपर आप लोग रखो, उसमें एडिटोरियल वाला पार्ट है ना, उसका एक ही न्यूज़ पकड़ लो, एडिटोरियल जो होता है ना आर्टिकल होता है वो. ठीक है, एक न्यूज़पेपर उठा लो, उसको रीड करो और उसमें से वोकैबुलरी छांटो. ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास पेपर आता है. ठीक है, मैं ना तुम्हें डेली एक आर्टिकल भेज दिया करूंगा और बोलूंगा लो पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम वोकैबुलरी निकालो. ठीक है, अपने आप ही स्ट्रांग होगा. वोकैबुलरी मैं दूं तो मतलब वो तो बात हो गई ना स्पून फीडिंग वाली बात, क्यों ना इससे बेटर ये हो कि मैं आपको आर्टिकल दूं और बोलूं रीड करो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा वर्ड मीनिंग, तुम ढूंढो वर्ड मीनिंग, उसके मार्क करो और फिर पूरा आर्टिकल पढ़ो और देखो कैसे समझ में आता है, ये भी एक अच्छा तरीका है. तो आई विल सेंड यू द आर्टिकल्स. ठीक है, कुछ डेली बेसिस पे मैं अब आपको आर्टिकल्स भेजूंगा सुबह. ठीक है, तो वो लोग आप लोग करना, चलो ये भी सही तरीका होगा वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने का. आओ, ये एक होमवर्क रहा बेटा आर्टिकल का, आर्टिकल में कुछ नहीं करना होता, बस इतनी सी बात होती है. ठीक है, आ जाओ अब रिपोर्ट पे, यही कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है. अब 10 मिनट रिपोर्ट को दे दो, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं. आओ बढ़ते हैं रिपोर्ट राइटिंग पे. ठीक है, आइए. आइए हेडिंग डालेंगे, रिपोर्ट राइटिंग.
आर्टिकल तो बड़ा सिंपल था और ज्यादा आर्टिकल आता भी है, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग। देखो रिपोर्ट जो होता है ना बेटा, वो तीन तरीके का होता है। सबसे पहले तो ये सुनो, रिपोर्ट क्या होता है। रिपोर्ट होता है कि अ समरी ऑफ पास्ट इवेंट, समरी ऑफ पास्ट इवेंट। हमारे पास्ट में कोई घटना घटी, उस घटनाक्रम को जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब उसको समझा रहे हैं, पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं रिपोर्ट। न्यूज़पेपर वालों का, ये न्यूज़ चैनल वालों का काम क्या है? रिपोर्टिंग करना, रिपोर्ट देना। क्यों? क्योंकि ये घटनाक्रम हो चुका है, उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना, यही तो रिपोर्टिंग होता है। किसी पास्ट इवेंट का होना और उसको समझाना, आगे तक कन्वे करना, इज रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग होता कितने तरीके का? तीन तरीके का। न्यूज़लेटर रिपोर्ट, जो कि हम अपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, जो मैं आपको सेंड करूंगा वो ही है न्यूज़लेटर रिपोर्ट, ठीक है। मैगजीन रिपोर्ट भी होता है, आप लोगों ने बुक्स देखी होंगी, ठीक है, बुक्स जो होती हैं उसमें भी रिपोर्ट होते हैं। और एक होता है हमारा फॉर्मल रिपोर्ट, फॉर्मल कह लो या ऑफिशियल रिपोर्ट, ठीक है, जो बिजनेस वगैरह में ज्यादा चलता है, या मतलब प्रोफेशनल वर्ल्ड में इसका ज्यादा रोल होता है, ठीक है। ये तो स्टूडेंट वगैरह पढ़ते हैं, आप लोग ये पढ़ोगे, ठीक है। यस, अब इन दोनों का फॉर्मेट बेटा सेम होता है, ये ध्यान रखना। फॉर्मेट देख लो इन दोनों का क्या होता है, मेन फॉर्मेट ही है और कुछ नहीं, ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। फॉर्मेट देख लो इसका, देखो बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट होता है, आने को आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट फॉर्मल के चांसेस ज्यादा होते हैं। आइए, सबसे पहले आप लोगों को टाइटल डालना है बीच में, ठीक है, टाइटल बीच में जाएगा, ये हो गया टाइटल, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आप लोगों को क्या करना है इसमें, बाय, वही जो आर्टिकल वाला हिसाब है ना, कौन लिख रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें तीसरी चीज और आती है, प्लेस। ऑब्वियसली बात है, जब आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कोई भी रिपोर्ट देखते हैं तो डेट और प्लेस लिखा होता है, ठीक है, प्लेस और डेट साथ में ही आता है। जैसे ऐसे डाल सकते हो ना, गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद, आज क्या है, अक्टूबर 20, ऐसे कर, ठीक है। और फिर यहां से रिपोर्ट स्टार्ट, ठीक है, ये हो गया आपका, ऐसे प्लेस डाला जाता है। उसके बाद तो आपका बॉडी ऑफ द रिपोर्ट नीचे से आएगा ही, ठीक है, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। इसमें भी मैं वही सजेस्ट करूंगा बेटा, तीन पैराग्राफ बना लो, मैक्स टू मैक्स 3 से 4, उससे ज्यादा मत करना बॉडी में, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम 4 पैराग्राफ्स, इससे ज्यादा मत करना। तुम रिपोर्ट जो राइटिंग लिख रहे हो ना, तो तुम कोई इतने बड़े लेवल पे तो लिख नहीं रहे हो, एक तुम पेपर के लिए लिख रहे हो, तो कोशिश करो थोड़ा सा मीडियम बैलेंस रखने की, ठीक है। तो ये होता है एक रिपोर्ट का फॉर्मेट, इन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड इन द मैगजीन रिपोर्ट, ठीक है। अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट चीज, विच इज फॉर्मल रिपोर्ट। देखो अच्छा बेटा, एक थोड़े से ना एडवाइज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो एक बार बिफोर रिपोर्ट का। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रिपोर्ट, तुम लोग पास्ट में हुई चीजों को डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, तो गलती से भी यहाँ पे प्रेजेंट टेंस मत लगाना, यहाँ पे सब कुछ पास्ट टेंस ही होगा, यूज ऑफ पास्ट टेंस, यूज ऑफ पास्ट टेंस, नो ग्रामेटिकल एरर्स बेटा, प्लीज ग्रामर एरर मत करना, ठीक है, नो ग्रामेटिकल एरर्स बेटा, सिंपल लैंग्वेज। आर्टिकल में जैसे मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा बहुत आप लोग यूज कर सकते हैं वोकैबुलरी, बेटा इसमें मत करना। रिपोर्ट जो होता है ना, पढ़ाई इसलिए जाता है कि समझ में आ जाए, ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज रखना, सिंपल इंग्लिश लिखना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू नॉट यूज फर्स्ट पर्सन बेटा, फर्स्ट पर्सन कभी यूज नहीं करना। फर्स्ट पर्सन मतलब आई, ही, शी, ठीक है, दे, ये सब यूज नहीं करने हैं। सिंपली आपको थर्ड पर्सन का वो करना है, ठीक है, ये सब यूज नहीं होगा, ओके, आई, ही, शी, वी, इन सब का तो काम ही नहीं होता, ओके, इन सब का काम नहीं होता इसमें। डू नॉट यूज थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, दे काट लो बेटा एक बार को, ठीक है, दे काट लो, दे थर्ड पर्सन के लिए होता है, आई, ही, शी, इवन वी, वी जो होता है ना, वी भी होता है फर्स्ट पर्सन, हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिविजुअली किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट पर्सन होता है।
डू नॉट डू दिस, ये चार चीजें पॉइंट ध्यान रखो, बस तुम्हारा रिपोर्ट अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? आओ अब हम फॉर्मल रिपोर्ट का देखते हैं। देखो बेटा, फॉर्मल रिपोर्ट में स्टार्टिंग तो ऐसे ही होगी, टाइटल लिखोगे सबसे पहले, ठीक है? टाइटल आएगा सबसे पहले आपका बीच में, ठीक है, लेफ्ट साइड से दूसरा, फिर आएगा वही बाय, कौन लिख रहा है उसका नाम, ठीक है? अच्छा, और आपको लिखना क्या है? हाँ, बाय तो आएगा ही, टू भी आएगा, टू किसको लिखा जा रहा है, ठीक है? और इसमें आपका आता है टू के बाद आप लोग लिख सकते हैं डेट। प्लेस और डेट दोनों में प्रेफर करूंगा, जैसे इसमें था, आधी चीजें अभी चलती आ रही हैं, प्लेस और डेट साथ में आएगा, ठीक है? ये अच्छा, उसके बाद एक्स्ट्रा बढ़ जाता है इसमें, ठीक है, वो है एक्नॉलेजमेंट। बेटा एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है, ये रिपोर्ट लिखने में अगर किसी लोगों ने आपकी हेल्प करी है ना, तो आप उनको थैंक यू कर रहे हो, थैंकफुल फॉर अदर पीपल, जिन लोगों ने आप लोगों को रिपोर्ट लिखने में हेल्प करी है, आप उन लोगों का थैंक यू कर रहे हैं, ठीक है? लाइक हम ऐसे लिखते हैं ना, आई एम हाईली थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन हु हैव कॉन्स्टेंटली गिवन देयर सपोर्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन राइटिंग दिस रिसर्च या इन राइटिंग दिस रिपोर्ट एंड एंड कंप्लीटिंग इट ऑन टाइम, ओके? तो इस तरीके से आप लोगों ने अपना एक्नॉलेजमेंट दे दिया, ठीक है? चाहे तो आप दो तीन नाम भी दे सकते हो, आई एम हाईली थैंकफुल फॉर दिस दिस एंड दिस, ओके, फॉर गिविंग देयर कॉन्स्टेंट सपोर्ट, या फॉर शोइंग देयर कॉन्स्टेंट सपोर्ट एंड गिविंग देयर कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस राइटिंग रिपोर्ट, ओके? ऐसे करके आप लोग एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं। अब उसके बाद आपका बॉडी आता है, ठीक है? यस। अच्छा, उससे पहले आप लोग टेबल ऑफ कंटेंट दिखाओगे, ये देखो, रुको, टेबल ऑफ कंटेंट आएगा बेटा एक्नॉलेजमेंट के बाद। टेबल ऑफ कंटेंट में ना आप लोग बताओगे कि इस रिपोर्ट में होने क्या वाला है। टेबल ऑफ कंटेंट में जैसे मान लो इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, वो लिख देना, और क्या होगा, रीजंस मान लो दे रहे हो आप, या कॉजेस बता रहे हो उस घटनाक्रम के होने के, ठीक है, उसके कोई फायदे थे, एडवांटेजेस, ये डालना है एज इट इज, ऐसे लिखना है जो जो टॉपिक तुम एक्सप्लेन करने वाले हो, ठीक है, या कोई इसका डिसएडवांटेजेस था वो तुम डाल रहे हो, ठीक है, तुम कोई कंक्लूजन डाल रहे हो लास्ट में। तो बेटा जो भी तुम करने वाले हो ना, उसका टॉपिक पहले टेबल कंटेंट में डाल दो, ठीक है, टेबल कंटेंट में डाल दो उसका, ठीक है? उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा ना, वो होगा समरी। जो भी कॉन्सेप्ट आप लिखने वाले हो ना, उसकी समरी पहले दे दो बेटा, शॉर्ट में लिख दो, ठीक है, शॉर्ट में लिख दो पहले ही, ठीक है? उसके बाद इंट्रोडक्शन दो। ये थोड़ा अजीब लगेगा तुम्हें सुनने में, बट एक्चुअली फॉर्मेट यही कहता है। इंट्रोडक्शन अब यहाँ स्टार्ट हो रहा है, समरी पहले लिख देना है, ठीक है? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, समरी के लिए ना 5-6 लाइन बचा के रखना, ठीक है, जब पूरा लिख लोगे ना रिपोर्ट, बाद में उसकी समरी लिख लेना। ये एक्चुअली ये रूल भी है, तुम्हें बताऊं, रिसर्च पेपर जैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो रिसर्च पेपर में ना जो स्टार्टिंग होती है वो एब्स्ट्रेक्ट से होती है, एब्स्ट्रेक्ट होता है समरी ऑफ दी रिसर्च पेपर। तो वही होता है कि हम लोग स्टार्टिंग में लेकिन एब्स्ट्रेक्ट लिखते नहीं है। अब वो लोग तो हम लोग तो वर्ड में टाइप करते हैं ना, तो वर्ड में जब टाइप करते हैं तो हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, पूरा पेपर बना लेते हैं, कंक्लूजन लिख देते हैं, फिर देखते हैं ये पूरा डिस्कशन हुआ तो ऊपर चले जाते हैं एब्स्ट्रेक्ट वाले कॉलम को, फिर ड्रॉ करते हैं। एब्स्ट्रेक्ट हम कभी भी पहले नहीं लिखते, बिकॉज एब्स्ट्रेक्ट समरी है, समरी तब तक नहीं लिखी जा सकती जब तक पूरा रिपोर्ट नहीं है। तो ऐसा कर लिया करो, समरी के लिए ना 5-6 जगह छोड़ लो, 5-6 लाइन का जगह छोड़ लो समरी के लिए, और इंट्रोडक्शन उसके बाद डिटेल डालो, ठीक है? अब इंट्रोडक्शन डालो, नाइन्थ थोड़े से फाइंडिंग्स लिखो, ठीक है, और बेटा 10th कंक्लूजन, लास्ट में कंक्लूजन दे दो, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा फॉर्मल रिपोर्ट, ठीक है, इस पे आके तुम्हारा फॉर्मल रिपोर्ट खत्म होता है। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा क्या देखा बेटा, एक्नॉलेजमेंट डालना है, बिकॉज यहाँ पे वेरियस लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, उनको थैंक देना है। अब टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, जो भी आप लोग इसमें डालेंगे रिपोर्ट में, आप एक्सप्लेन करेंगे, उन उनके पॉइंट्स आपको इसमें डालने हैं, ठीक है? आपने इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन डालिए कंटेंट में, आपने रीजंस लिखे किसी चीज को होने के, उसका कंटेंट डालिए, ठीक है, कंक्लूड
एडवांटेज डिसएडवांटेज सब डाल दो, कंक्लूजन भी डाल दो, ठीक है, क्योंकि कंक्लूजन भी पार्ट होता है रिपोर्ट का, तो वो भी लास्ट में लिखोगे। समरी का मैंने जैसे बताया, समरी जो है ना उसको हाईलाइट करो, पहले मत लिखना बेटा जब तक ये पूरा ना हो, फर्स्ट दिस ये पहले लिख लो, फिर 5-6 लाइन जो छोड़ रखी है ना उसमें लिखना फिर समरी, ठीक है, ऐसे करना तुम लोग फॉर्मल रिपोर्ट में। ओके, ये होता है हमारा फॉर्मल रिपोर्ट। आओ अब मैं तुम्हें एक टॉपिक दे दूं, क्यों ना आप लोग लिखें। अच्छा हाँ, रिपोर्ट जब लिखने को आएगा ना बेटा, तो मे बी में ऐसा भी हो सकता है आपको टेबल ऑफ कंटेंट पहले ही दे रखा हो, कि जब रिपोर्ट लिखें तो इन सारे पे विचार डालें अपने, ठीक है, इनको भी एक्सप्लेन करें, तो वो तो और बेस्ट बात है। आप लोगों को कंटेंट पहले ही दे रखा है कि आप लोगों को ये सब तो डिस्कस करना ही करना है, तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट मिल चुका है, आपको जस्ट देख के उतारना है, ठीक है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। अच्छा ओके, क्यों ना आप लोग लिखें, एक एक्सरसाइज का हम उठा लेते हैं। हाँ ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट लेकिन ये थोड़ा सा फॉर्मल नहीं है, ये तो न्यूज़पेपर वाला हो जाएगा, फॉर्मल देखता हूँ मैं, फॉर्मल इसमें थोड़े से कम दे रखे हैं ना। हाँ थोड़ा सा है, प्रॉफिटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस इन द नेक्स्ट डिकेड। चलो मैं तुम्हें एक बार ना भेज दूंगा एक बार उसका अच्छा सा थोड़ा ढूंढ के, ठीक है, इसमें थोड़ा सा फॉर्मल टाइप कम ही लग रहा है। कोई नहीं, आप लोग अभी क्या करिएगा। अच्छा हाँ एक बात और बेटा, थोड़ा सा ये भी ध्यान दीजिए, एक बात और, ये जो आप लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं ना अबाउट रिपोर्ट, उसमें एक और चीज ऐड कर लो बेटा, यूज ऑफ पैसिव वॉइस। बेटा पैसिव वॉइस का आप यूज करेंगे, एक्टिव वॉइस का नहीं, यूज ऑफ पैसिव वॉइस ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑलवेज यूज पैसिव वॉइस, लाइक दिस इम्पैक्ट हैज बीन डन ऑन दी बिजनेस, ओके, या फिर इसके द्वारा हुआ, बाय दिस, ओके, कोविड 19 हैज सीवियरली इम्पैक्टेड द होल वर्ल्ड बिकॉज ऑफ चाइना, ओके, थ्रू चाइना इट केम इन टू दी अनदर कंट्रीज ऑल्सो, तो ऐसे करके थोड़ा बाय वर्ड जो है ना, बाय वाला वर्ड, पैसिव वॉइस में बाय लगा के ही हम एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं ना, तो वो बाय वाला वर्ड ज्यादा यूज करना, ठीक है, बाय वाला वर्ड थोड़ा सा ज्यादा यूज करना बेटा, ठीक है, कोई भी टॉपिक आप लोग लिखें तो वो आपका पैसिव वॉइस में मैक्सिमम सेंटेंस होना चाहिए, ये होता है एक अच्छे रिपोर्ट की खासियत, ठीक है, अगर आप इन सारी चीजों को इसमें शामिल करें तो। ओके तो ये आपका फॉर्मेट है बेटा, फॉर्मेट क्लियर है आप लोगों को, एक बार फॉर्मेट के लिए बताएं, कोई डाउट फॉर्मेट में। ओके वेरी गुड, ठीक है फॉर्मेट क्लियर है। ओके एक होमवर्क मिल ही चुका है आर्टिकल का, ठीक है, एक मैं आप लोगों को क्या करूंगा, मैं आप लोगों को इसमें सेंड करूंगा वही आपका रिपोर्ट का, ठीक है, तो रिपोर्ट मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसका आप लोग लिख लेना, बाकी हमारा राइटिंग सेक्शन बेटा यहाँ पे खत्म है, यही था, ठीक है, वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, प्रेसेस राइटिंग, फॉर्मल ईमेल्स, ठीक है, अपना नोट मेकिंग, पैसेज, लेटर्स, ओके, रेज्यूमे राइटिंग, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, आर्टिकल, रिपोर्ट, सब कुछ कवर कर लिया है, कुछ नहीं छूटा, ठीक है, फॉर्मेट ध्यान रखो, लिखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे स्किल्स। ओके अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद दी ग्रामर वर्क, विच इज एक्टिव पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, वोकैबुलरी का आप लोगों ने बहुत ही अच्छा वो बताया, ठीक है, और मैंने उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ये कर दिया कि मैं वोकैबुलरी ना भेज के मैं आर्टिकल भेजूंगा, आप लोग वोकैबुलरी पे काम करो, आप आर्टिकल पढ़ो, आपको नहीं समझ में आ रहा वो वर्ड मीनिंग ढूंढो, मीनिंग लिखो और उसको करो। डू यू नो मैं यही करता हूँ, मैं आज भी करता हूँ ये, और मैं आज से नहीं, मैं 2-3 साल से ये प्रैक्टिस है मेरी कि एक हैबिट बन चुकी है, बीच में थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से न्यूज़पेपर से हाथ छूट जाता है, बट आई स्टिल वर्किंग ऑन माई वोकैबुलरी, मैं डेली न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ आर्टिकल पढ़ता हूँ और अपने वर्ड मीनिंग्स अलग से लिखता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि ओवर द टाइम पीरियड मैंने इंप्रूवमेंट किया, ठीक है, लाइक आई कैन यूज सम वोकैबुलरीज ऑल्सो, जिसमें मुझे समझ में आता है कि हाँ भाई ये चीज इसमें डाली जा सकती है, इसकी जगह ये वर्ड यूज किया जा सकता है। ओके तो
श्योरली इम्प्रूव होगा, ठीक है? अपनी राइटिंग्स पे ध्यान दे बेटा बस, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद ग्रामर वर्क, ओके? तो चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके? चलिए, वैसे ओके बेटा, बाय।